इंडिया लीडरशिप कॉन्क्लेव 2016 के लिए मुझे जो इन्होंने अवार्ड दिया है बेस्ट एक्टर ऑफ द डिकेड, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर दैट। सामान तो किसी भी सूरत में कभी ख़राब नहीं लगते हैं। मुझे जिस वक्त अवार्ड मिलते हैं मुझे बहुत अविश्वसनीय लगता है, विश्वास नहीं होता है कि इतना समय निकल गया, काफ़ी प्रेम मिला है वर्षानुवर्ष, और ये सदैव रहे यही प्रार्थना करता हूँ। आदरणीय सत्यब्रह्म जी का मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, उनसे जुड़े हुए इस संस्था से जुड़े हुए जितने भी माननीय गण हैं आप सभी का धन्यवाद देना चाहूँगा। थैंक यू सो मच फॉर दिस। आई एम योर टुडे फॉर द इंडियन कॉन्क्लेव लीडरशिप अवार्ड एंड दे हैव गिवन मी फॉर द बेस्ट न्यू फेस ऑफ द ईयर 2016 एंड इट फील्स रियली नाइस बिकॉज the kind of love and support that you get as a newcomer, so you feel really motivated and you get motivated to work even more harder. But above all, thank you so much and we had a great evening today. Thank you. Question. Govinda ji, what does luxury mean to you and how do you incorporate luxury in your lifestyle? Where are you from? Just give your name. Pooja Jain from ET Now Times. Luxury in your lifestyle. हर व्यक्ति की उसकी अपनी धरपकड़ होती है ज़िंदगी में उसका। मेरा ये सोचना है कि आपको जो नेचुरल चीज़ें मिल गई हैं वो बहुत कमाल है। कहाँ आप देख रहे हैं और आपको क्या मिला है ये बहुत कमाल है। मुझे ऐसा लगा जिस वक्त तक मेरे साथ में मेरी मॉम रही, मुझे ऑलवेज ऐसे ही लगा जैसे कि मैं राजा हूँ, बादशाह हूँ, और क्या होता है वो हूँ। और महाराजा हूँ, जैसे कहिए आप। माँ बाप का आशीर्वाद होता है, आप में जो संस्कृति होती है और उसकी जो उसकी शक्ति जो लोग समझते हैं बहुत कमाल होती है। और मुझे लगता है कि उससे जो जो लोग उससे साथ होते हैं वो जो जैसे आप कह लीजिए कि नूर कह लीजिए, ऊपर वाले ने जो अता फरमाया वो मिल जाए वो काफ़ी रिच होता है, उससे आदमी अच्छा लगता है उसको। और पैसे भी मिले तो ख़राब नहीं होते वो किसी सूरत, अच्छा ही होते हैं। और मिले ऐसी प्रार्थना है। मेरी फिल्म आ रही है, मैंने होम प्रोडक्शन में फिल्म बनाई है, आ गया हीरो। हाँ चाह रहा हूँ भैया कि मैं चलनी चाहिए, बहुत सुपरहिट हो, यही ईश्वर से प्रार्थना है। आप लोग का से प्रेम है जो है ये जो है ये भी किसी लग्जरी से कम नहीं है। ये आप लोगों ने वर्षानुवर्ष जो प्रेम दिया है और ये रहा करे, ये मुझे देखने के बाद में आप लोग के चेहरे पे जो ये मुस्कान आ जाती है, ये जो आँखों में प्रेम आ जाता है ये बहुत है, और ये सदैव रहे ये प्रार्थना करता हूँ मैं, खासतौर पर मेरे बच्चों के लिए ना। अभी इस पूरे इवेंट के दौरान इंडियन इकोनॉमी के ग्रोथ पे बात हुई, बहुत सारा डिस्कशन हुआ, तो आपको क्या लगता है कि इस तरह का इवेंट इंडियन इकोनॉमी के ग्रोथ में क्या सच में कोई कर पाता है? हर सम्मान जो मिल जाता है और लोग मुलाकात होती है और उसमें लोग उनके भाव प्रकट करते हैं और उससे थॉट्स निकलते हैं, वो उससे अच्छा ही है। ये इस तरह की भेंट मुलाकात जो है वो हुआ करें वो अच्छा ही है, ये तो हर सूरत में है। क्या व्यक्ति क्या कह देगा और उससे क्या थॉट निकलेगा और उससे क्या कमाल हो जाएगा, ऐसे ही हुआ है, ऐसे ही होता है। क्या ये थॉट अंतिम आदमी तक पहुंच पाता है? व्हाई नॉट, आप लोग हैं उसके लिए और आप लोग से अच्छा और क्या हो सकता है। सर, माँ बाप के आशीर्वाद में आप बोले, माँ बाप के आशीर्वाद के लिए एक डायलॉग बोल दीजिए जरा। डायलॉग तो नहीं, अभी मैं फिलहाल उसके पैसे नहीं मिले मुझे। आपने प्रोमो देखा? अभी इस विषय में मुझसे चर्चा नहीं करवाइए कृपया प्लीज। अभी ये जो इंडियाज
लीडरशिप कॉन्क्लेव 2016 है, उसके लिए थैंक यू सो मच, उसमें जो मुझे सम्मान मिला। आपने प्रोमो देखा सर, आपने जी सुल्तान का प्रोमो देखा? जी नहीं, मैंने नहीं देखा, क्षमा चाहता हूँ। आगया हीरो के बारे में थोड़ा बताइए, किस तरह की फिल्म होगी आगया हीरो, क्या कुछ होगा उसमें? वो जिस वक्त उसके लिए मैं आप लोगों को आमंत्रित करूंगा ना, उस वक्त में उसका आपके साथ डिस्कस करना है। अभी राइट नाउ दे हैव डन देयर फंक्शन, आई डोंट वांट टू यूज देयर स्टेज फॉर माय पर्पस। प्लीज सर, एक क्वेश्चन मेरा टीना जी से है। इंडिया लीडरशिप कॉन्क्लेव में आई है, तो